नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से मिले बांग्लादेश के सेना प्रमुख, आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय के निर्माण का रास्ता साफ, पेड़ों को हटाने के प्रस्ताव को दिल्ली सरकार की मंजूरी। डीएनएलए समझौते पर बोले अमित शाह, असम में अब कोई आदिवासी उग्रवादी समूह नहीं। गृह मंत्री ने 1,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। कांग्रेस का कर्नाटक में महिलाओं को मुफ्त सफर का वादा, राहुल बोले मछुआरों के लिए 10 लाख का बीमा होगा, डीजल पर मिलेगी सब्सिडी। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन वीरेन के दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल पर लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। कोविड के खतरे में मुंबई, आज से 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को दी जाएगी देश की पहली कोविड नेचुरल वैक्सीन। गुलमर्ग में पुलिस ने गुजरात को 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, गंडोला की सवारी के लिए किया फर्जी टिकटों का इस्तेमाल। केजरीवाल सरकार का उपराज्यपाल पर नया आरोप, स्कूल को टेकओवर करने में डाल रहे अड़चन। असम के डिब्रूगढ़ से इंट्रा जेल में बंद है अमृतपाल, वारिस पंजाब डे के प्रमुख से चाचा ने की मुलाकात। अपने आकाओं को खुश करना चाहते होंगे खरगे, जहरीले सांप वाले बयान पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। एयर इंडिया की 1,000 पायलटों की भर्ती करेगी, 470 विमान खरीदने का ऑर्डर दे चुकी है कंपनी। मानदंडों का उल्लंघन करने पर गूगल का एक्शन, भारत में 3,500 से अधिक लोन ऐप के खिलाफ कार्रवाई। WFI चलाएगा 3 मेंबर का पैनल, पीटी उषा ने कहा सड़क पर धरना अनुशासनहीनता, बजरंग बोले कड़े बयान की उम्मीद नहीं थी। अखिलेश यादव ने भूपिया मऊ ओवरब्रिज को लेकर किया ट्वीट, बोले 6 साल पहले बने पुल में भ्रष्टाचार की खोली पुल। चीन को राजनाथ सिंह का करारा जवाब, कहा LSC के सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौते के तहत किया जाएगा हल। औरैया में रॉयल फर्नीचर में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, मौके पर SP चारू निगम रही मौजूद। गाजियाबाद में अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर बीजेपी विधायक का बयान, अखिलेश यादव पर साधा निशाना, अतीक अशरफ को समाजवादी पार्टी ने मरवाया है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के मामलों में अगली तारीख 6 मई को MPLA कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में आना है फैसला, मुख्तार पर साल 2009 में करंडा थाने में केस दर्ज हुए थे। हरदोई में आवास के नाम पर ग्राम रोजगार सेवक ने मांगा रिश्वत, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा और प्रधान अधिकारियों की मिलीभगत के चलते की गई थी अवैध वसूली।
कानपुर में सड़क पर पढ़ी गई ईद की नमाज। 2000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस अधिकारी ने कहा लोगों की पहचान वीडियो के आधार पर की जाएगी। लखनऊ में निकाय चुनाव के मद्देनजर किया गया फ्लैग मार्च। इस दौरान जनता से किया गया संवाद। सीएम योगी गुरुवार को पहुंचेंगे आगरा। जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन। बिजली विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव का बचा चुनावी बिगुल। बीजेपी प्रत्याशी संजीव कर्णवाल ने किया जनसंपर्क। संभल में नगर पालिका परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज। सभी पार्टियों ने झोंकी अपनी ताकत। औरैया में दिव्यापुर से निर्दलीय प्रत्याशी का बयान, सीट पर बैठते ही होगा संपूर्ण विकास। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का महाप्रचार। सीतापुर, बलरामपुर, गोरखपुर में सीएम की रैली। कोंडा में जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई। अस्पताल में नहीं है मरीजों के लिए स्ट्रेचर। मां को गोद में ले जाता हुआ दिखा बेटा। सपा को एक बार फिर लगा झटका। सपा नेता अजय त्रिपाठी ने थामा बीजेपी का दामन। प्रयागराज में सपा प्रत्याशी कुलसुम बीबी के पति ने दिया बयान। बीजेपी ने हंडिया नगर पंचायत को खोखला बना दिया। अध्यक्ष पद के लिए सपा प्रत्याशी हैं कुलसुम बीबी। संभल में निकाय चुनाव को लेकर शफीकुर रहमान बर्क का बयान, मैं पार्टी से डरकर कोई काम नहीं करता। पार्टी मुझे निकाल भी तो भी कोई परवाह नहीं है। तेजी से पूरा हो रहा है राम मंदिर का निर्माण कार्य। मंत्री सुरेश खन्ना ने दिया ट्वीट कर 22 जनवरी को होगी रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा। गर्भगृह में राम लला की होगी प्राण प्रतिष्ठा। बुलंदशहर में पकड़ी गई चावल से भरी बोलेरो पिकअप गाड़ी। पूर्ति निरीक्षक ने थाने पहुंचकर की चावल की जांच। कानपुर में ऑपरेशन कावेरी के चलते सूडान से लौटे भारतीय दल का सचेड़ी में स्वागत। पनके एसपी निशांक शर्मा की अगुवाई में जोरदार स्वागत किया गया। कानपुर में डीसीपी सेंट्रल और दक्षिण एडीसीपी के नेतृत्व में इस्पा सेंटरों में बड़ी कार्यवाही। इस्पा सेंटरों ने डीसीपी सेंट्रल की टीम ने एक साथ अभियान चलाकर छापेमारी की। पूर्व मेयर प्रत्याशी मीरावर्धन पहुंची सपा कार्यालय। सपा विधायक अरमान खान भी साथ में मौजूद। लखनऊ में लुटेरे पति पत्नी को हजरतगंज पुलिस ने दबोचा। फोन लूटने की कई घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। पत्नी करती थी फोन बेचने का काम। सपा ने लोनी सीट से वापस लिया अपना नामांकन पत्र। सपा असपा ने रालोद को दिया समर्थन। रंजीता धामा ही होंगे उम्मीदवार। निजी स्कूलों को वापस करनी होगी फीस। जिला विद्यालय निरीक्षक ने भेजा स्कूलों को पत्र। कोरोना काल में अधिक फीस वसूलने का आरोप। लखनऊ के बाद अब कानपुर यूनिट ने दो तस्करों को दबोचा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाले गैंग के पास से 12 किलो चरस बरामद किया गया है।
औरैया के दूरदर्शन केंद्र में 100 वाट का हाई पावर एफएम ट्रांसमीटर लगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने एफएम ट्रांसमीटर का किया उद्घाटन। फरीदाबाद में डॉक्टरों पर लगा इलाज में लापरवाही का आरोप। पेट दर्द की शिकायत पर बच्चे को कराया गया था भर्ती। परिजनों ने किया एमएस हॉस्पिटल पर हंगामा। गोंडा में नहीं मिल रहा अस्पताल में मरीज के ले जाने के लिए स्ट्रेचर। मां की गोद में ले जाते दिखा बेटा। दूरदराज से इलाज कराने के लिए आ रहे हैं मरीज। लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष कैप्टन कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलवामा हमले का जिक्र किया। श्रावस्ती में युवक को बाइक सवारों ने बनाया निशाना। फायर करने के बाद बाइक सवार मौके से हुए फरार। एसपी प्राची सिंह ने कई टीमें की गठित। रुद्रप्रयाग में आस्था के आगे मौसम की चुनौतियां। नतमस्तक बारिश और बर्फबारी के बीच भी उमड़ रही है भीड़। उत्तराखंड के 23 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। अब मिलेगा सस्ता नमक और चीनी। हिंदू छात्राओं को मुस्लिम टोपी पहनाने का आरोप। अभिभावकों को धमकाए बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। स्कूल में नमाज पढ़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूओयू में नए सत्र से महंगी होगी पढ़ाई। 500 रुपए तक बढ़ सकती है फीस। साल में दो बार देनी होगी परीक्षा की फीस। रंगदारी मांगने कनाडा से आई कॉल। सामने आया रॉबिनहुड का नाम। पुलिस ने कहा इसके मंसूबे खतरनाक। पहले दिन का अव्यवस्था का बोलबाला। भटकते रहे यात्री। साइन बोर्ड लगे न होने से दिखे परेशान। देहरादून में मनमाने किराए की शिकायत पर आरटीओ सख्त। यात्रा में वसूला ज्यादा किराया तो वाहन होगी सीज। तेरह जिले तेरे डेस्टिनेशन थीम से सजी एयरपोर्ट की दीवार। धरोहर से रूबरू होंगे विदेशी मेहमान। देहरादून में 12वीं की छात्रा ने प्रेमी संग ट्यूशन टीचर के घर की चोरी की। ग्राउंड में छिपाए गहने फिर घूमने चल दी हरिद्वार। वन भूमि पर अतिक्रमण किया तो होगी जेल। अवैध रूप से बने धर्मस्थलों को वन विभाग ने भेजे नोटिस। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर ट्रैफिक ड्राइवर। 6 मई के बाद तीर्थयात्रियों का सफर होगा आसान। प्रगति पर स्वागत द्वार का निर्माण कार्य। लालढांग में लिव इन में रह रही महिला ने झगड़े के बाद किया सुसाइड। पार्टनर ने नहर में फेंका शव। उत्तरकाशी में खाई में कार गिरने से एक की मौत। बैग करते समय हुआ हादसा। भटक गए थे रास्ता। रुद्रपुर में मजदूर ने साड़ी का फंदा बनाकर कर लिया आत्महत्या। सुसाइड से पहले पत्नी से की थी वीडियो कॉल। आकाशीय बिजली गिरने से 13 पशुओं की मौत। चरवाहे घटना में बाल बाल बचे। तीसरी बार पकड़ी गई बाइडेन की चोरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल पहले से ही मालूम थे। पर्ची में जवाब लिखकर लाए कैमरे में कैद हो गए।
चार्ल्स के ताजपोशी में तैनात 6000 सैनिक युद्ध पोतों से दी जाएगी सलामी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट में शामिल होगा। चीन में नौकरी पाने के लिए मंदिर जा रहे युवा, एक साल में 310% से ज्यादा लोग पहुंचे मंदिर। कोरोना के बाद 1.16 करोड़ ग्रेजुएट्स बेरोजगार। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़ी हिंसा, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन सिस्टम में करने जा रहे हैं ये बदलाव, लाखों भारतीयों को पहुंचा सकता है फायदा। नेपाल में हिली धरती, 2 घंटे के भीतर 2 बार झटके भूकंप के लगे हैं, 4.8 और 5.9 रही तीव्रता। पाकिस्तान की पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, 4 बच्चे समेत 7 लोगों की गई जान। ब्राजील ने टेलीग्राम पर लगाया अस्थायी बैन, कंपनी को हर दिन भरना पड़ेगा 1.61 करोड़ का जुर्माना। अमेरिकी कपल ने बच्चे के शरीर पर जबरदस्ती टैटू बनवाया, रस्सी से बांधा, करतूत छिपाने के लिए मास्क निकाल दिया। ब्रिटिश रिव्यू रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे, खालिस्तान के खतरे से हिली सुनक सरकार। अब कश्मीर के दूर दराज इलाकों में पहुंचेंगी रेल सेवाएं, तैयार हो रहा है भारत का पहला केबल आर आधारित पुल। भारतीय स्टेट बैंक ने बॉन्ड के जरिए जुटाए $75 करोड़, 16,000 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट, लखनऊ में पेट्रोल 12 पैसे महंगा होकर 96.47 रुपए और डीजल 11 पैसे महंगा होकर 89.66 रुपए लीटर बिक रहा है। 5.20 करोड़ हुई अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर की संख्या, 2022-23 में 1.19 करोड़ लोगों ने कराया था एनरोलमेंट। छुट्टियों के सीजन से शुरू होने से पहले एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। डॉलर के वर्चस्व को चीनी करेंसी युआन से मिला सबसे बड़ा झटका, अर्जेंटीना चीन के बीच युआन में होगा ट्रेड। विप्रो के बोर्ड ने 12,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक पर लगाई मुहर, निवेशकों को 71 रुपए प्रति शेयर का होगा लाभ। वीवो X19 और X90 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च, एक्सट्रीम क्लियरिटी वाला 50 MP कैमरा और 12G रैम पर कीमत 60,000 से रुपए शुरू की जाएगी। उपज कम होने से महंगाई बढ़ने के रिस्क, अगले नीनो और बड़े देशों में तनाव से धीमी पड़ सकती है देश की ग्रोथ। .5% घटकर 388 लाख टन रह सकता है चीनी उत्पादन, ISMA ने उत्पादन कम करने का अनुमान जताया। चेन्नई को हराकर टॉप पर पहुंचा राजस्थान, जयपुर में 32 रन से जीता मुकाबला, स्पिनर्स को 5 विकेट, जायसवाल ने 77 रन बनाए। युवी के पिता का अर्जुन तेंदुलकर को गुरु मंत्र बोले, जसिन कान के पास से गेंदबाजी करेगा 145 प्लस की बॉलिंग स्पीड हो जाएगी।
शिवम दुबे के गलत थ्रो पर भड़के धोनी, जायसवाल ने गायकवाड़ की मदद की, चहल ने छोड़ आसान कैच। फखर जमान के शतक से जीता पाकिस्तान, न्यूजीलैंड को पहला वनडे 5 विकेट से हराए, मिचेल की सेंचुरी, बाबर पर 49 पर आउट। एशियन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची सिंधु, एचएस प्रणव और सात्विक चिराग ने भी अगले राउंड में जगह बनाई। खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित को गावस्कर की सलाह का, कुछ समय के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले ताकि डब्ल्यूटीसी के लिए खुद को फिट रख सके। राजस्थान की जीत में हीरो रहे यशस्वी जायसवाल, अब तक लगा चुके हैं 3 अर्धशतक, 77 रनों का रहा हाई स्कोर। महिला क्रिकेट के सालाना करार का ऐलान, हरमनप्रीत कौर को फायदा, कई खिलाड़ियों पर गिरी गज। एमएस धोनी को 183 में मिला साल भर का टिकट, तूफानी बल्लेबाजी से की थी सबकी छुट्टी। भारतीय स्टेट टीम में वापसी के बाद अजिंक्य रहाणे हुए इमोशनल, बोले मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा था, अपने प्रोमिस पर आप टिके रहो तो नतीजे खुद आपके पक्ष में आते हैं। पोन्नियिन सेल्वन 2 की ओपनिंग धमाकेदार हुई, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही फिल्म की तारीफ। पुष्पा 2 के सेट पर स्पॉट हुए जूनियर एनटीआर, सामंथा के ट्रीटमेंट की फोटो हो गई वायरल, सामंथा रुद्र प्रभु की तस्वीर से परेशान हुए फैंस। फिर बुरे फंसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अब बंगाली समुदाय की भावनाओं को आहत करने का लगा आरोप, वकील ने दर्ज कराई शिकायत। सलमान खान से मेरा कोई झगड़ा नहीं, बोली जिया खान की मां, मेरी बच्ची की मौत का सच सामने आने दो। और 67वें फिल्म फेयर में अवार्ड्स में छाई रही गंगूबाई काठियावाड़ा, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस, राजकुमार राव बने बेस्ट एक्टर। झूठी में मक्का ने बॉक्स ऑफिस पर पूरे किए 50 दिन, रणबीर की फिल्म को मिल रहा है दर्शकों का प्यार। सत्ताईस दिनों बाद शारजहां जेल से रिहा हुए कृष्ण परेरा, खुशी से झूम उठा पूरा परिवार, ड्रग तस्करी मामले में हुई थी अरेस्ट। आमिर खान ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, कहा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात ऐतिहासिक है। नवाजुद्दीन पर बंगाली समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप, कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील ने दायर की याचिका। मुंबई में जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली बरी, सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी किया है, सूरज पर सुसाइड के लिए उकसाने का था आरोप। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।